दोस्तों स्कैमर्स ने हमारे नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखा है। आप यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से ज्वाइन करें, वरना आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं, उसमें हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, चतुर इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। नो बकवास और सीधी बात, आज हम डिपॉजिट करने वाले हैं बिटकॉइन के द्वारा एक्सनेस के अंदर। एक्सनेस में हम काफ़ी टाइम से एक्सनेस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सनेस को, और आज तक हमें कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आई नहीं है। अगर आप यहाँ पर ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर अगर आप जा करके हमारा चैनल पर देखेंगे तो लगभग 1.5 साल पौने 2 साल पुराने आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है। जहाँ पर हम एक्सनेस को यूज़ करते हुए आज तक डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी रिसेंटली जब से FBS ने इंडिया में अपनी सर्विसेज बंद करी है, तो इस वीक के अंदर हमने काफ़ी सारे ब्रोकर्स को सर्च किया जिसमें कि हमें कोई सेंट का अकाउंट मिल जाए जहाँ पर हम इजीली डिपॉजिट विड्रॉल आसानी से कर सकें। बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा इस चीज़ के अंदर, और वो मैं बताता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये हमारा चैनल है चतुर इन्वेस्टर का, जहाँ पर हम 2018 से रोबोटिक ट्रेडिंग से संबंधित वीडियोज़ यहाँ पर डालते हैं। रोबोट सेल करते हैं, रोबोट सेटअप भी करते हैं, VPS रेंट पर भी देते हैं, और काफ़ी सारी सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आपके पास में पहले से कोई रोबोट है और आपको लगाना नहीं आ रहा तो वो भी हम लगा के देते हैं, हालांकि उसकी थोड़ी सी फीस लेते हैं, लेकिन आपका काम ये हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक्सनेस पर डिपॉजिट करने वाले हैं। उससे पहले बता दूँ, इस वीक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक्सिम ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया $11 का, $10 का 13 तारीख को, और ये 15 तारीख को, लेकिन आज तक हमें फ़ंड डिपॉजिट ही नहीं हुआ। ये स्कैम ब्रोकर है, इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो हमने चैनल पे आज ही अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई डिपॉजिट ना करें। हैंडटेक पे हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, बट विड्रॉल देखिए आप यहाँ पर, तो अभी तक भी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है 15 तारीख। यहाँ पर आप चेक कीजिए, 15 जून को हमने लगभग 12 बजे डिपॉजिट किया, आज तक वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, जबकि TRC20 से डिपॉजिट किया था। TRC20 फास्टेड ब्लॉकचेन है जहां पर 5 मिनट के अंदर ही फंड चला जाता है। फिर भी हम अगर ये मान के चलें, चलो 24 आवर्स का अगर आप टाइम ले रहे हैं तो भी चलो मानने में आ जाता है, लेकिन आप देख लीजिए 15 जून को हमने विड्रॉल लगाया था और आज हो रही है 18 तारीख, अभी तक हमारे पास में फ़ंड रिसीव नहीं हुआ है। तो हैंडटेक मार्केट से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सनेस के अंदर। तो हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो हम जब डिपॉजिट पे जा रहे हैं तो ये बोलेगा अभी आपसे, देखिए एक मिनट। तो डिपॉजिट पे जाने के बाद में आप ये बोल रहा है, यू डोंट हैव एनी एक्टिव अकाउंट्स, आपका यहाँ पर एक्टिव अकाउंट्स नहीं है, इसलिए पहले आप एक्टिव अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो अब हम करने वाले हैं सेंट का अकाउंट, ओपन पे क्लिक कर दिया है, ओपन न्यू अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं अपन। ठीक है, हम खोलेंगे यहाँ पर सेंट का अकाउंट, जो यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टैंडर्ड सेंट। ठीक है, ओपन रियल अकाउंट, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए रियल। ठीक है, MT4 का हमें खोलना, लीवरेज आप कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2000 आ रही तो हम 2000 ही ले लेते हैं, और हम खोल रहे हैं सेंट का अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो USC यूनाइटेड स्टेट सेंट, सेंट का मतलब होता है $1 में 100 सेंट आपको मिलते हैं, यानी आप रोबोट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो $100 के सेंट अकाउंट पर भी सेटअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निकनेम आप चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, और यहाँ पर आप पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पासवर्ड रख दिया है Forex F Capital है, Forex 321, ये ट्रेडिंग पासवर्ड है। दोबारा से चेक कर लीजिए, ये रियल हो गया, MT4 हो गया, लीवरेज 2000 रख ली, USC हम सेंट का अकाउंट खोल रहे हैं यहाँ पर। तो सेंट का अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं वो हम तरीका यहाँ आपको यहाँ बता रहे हैं, और क्रिएट ए अकाउंट ये हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ी सी देर के अंदर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए आपका ये सेंट का अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। तो सेंट का अकाउंट हमने एक्सनेस के अंदर बनाना सीख लिया है, अब हम इसमें करने वाले हैं डिपॉजिट। तो हम यहाँ डिपॉजिट पे जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई जाएंगे, बैंक कार्ड, हम बैंक कार्ड के लिए कभी भी मनाई करते हैं, क्योंकि बैंक कार्ड से आपको डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। कभी मान लीजिए आपका बैंक का जो कार्ड है डेबिट या क्रेडिट कार्ड वो खो गया है,
और उसे आपको ब्लॉक करवाना पड़ गया तो फिर विड्रॉल आना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिटकॉइन से कर सकते हो, नेटलर से कर सकते हो, ऑफलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। परफेक्ट मनी वगैरह से इस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो। हम चूज़ करने वाले हैं बिटकॉइन, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम आप $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये मैंने बिटकॉइन पर क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू आपको करना है। तो दोस्तों ये मेरे पास में एड्रेस आ गया है और यहाँ पर मैं यहाँ पर डिपॉजिट करूँगा। तो फ्रेंड्स हमने अपने मोबाइल के द्वारा QR कोड को स्कैन करके डिपॉजिट कर दिया है, लगभग $195 का BTC है। जब हमें रिसीव हो जाएगा तब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। BTC नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा, कभी कभी 5-10 मिनट में भी आ जाता है, कभी कभी 2-4 घंटे भी लग जाते हैं। उसके नेटवर्क पर जितना ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा इसके अंदर डिपॉजिट होने में, बट डिपॉजिट हो जाता है, मैंने कई बार करके देखा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में फंड रिसीव हो चुका है और हमने किया था $195 का BTC किया था, अभी हमारे पास में 192 वैल्यू का BTC हमारे पास में डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है और लगभग 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमारे पास में फंड आ चुका है। डैशबोर्ड पे चलते हैं एक बार। तो अभी आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो अभी हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड नहीं है, हमारे BTC वॉलेट के अंदर फंड आ चुका है। अब हम इससे BTC वॉलेट से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी हम बिटवीन योर अकाउंट्स इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करना है। जितनी BTC दिखा रहा है आपको उतनी वैल्यू का BTC हमें यहाँ पर डालना है और ये हमने उतनी वैल्यू का डाल दिया और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में 19,346 USC यानी कि सेंट हमें रिसीव होंगे। $1 बराबर 100 सेंट होते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और ये हो चुका है दोस्तों, पेमेंट एक्सेप्टेड। व्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो अभी हमारे पास में प्रोसेसिंग दिखा रहा है ये। तो दोस्तों हमारा फंड जो है वो डन हो चुका है और फिर से हम जाके चेक कर लेते हैं, 19,317 USC हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड आ चुका है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र किया है, यानी कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड को ट्रांसफ़र किया, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। और दोस्तों यहां पर एक वार्निंग सुन लीजिए, आप किसी भी ब्रोकर पे फंड को डिपॉजिट करें, चाहे वो एक्सनेस हो, ओक्टा एफएक्स हो, व्हाटएवर जो भी हो, यहां वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि आप भी इसी ब्रोकर को चूज करें, वो आपका अपना डिसीजन है कि आप किस ब्रोकर पे अपना फंड को रखते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, ट्रेडिंग करें, व्हाटएवर जो भी करें, उसमें हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने रिस्क पे ही कीजिएगा। हमारा काम है रोबोट को सेल करना, हमारा रोबोट तो किसी पर भी चलता है, MT4 का टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। हम इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर सकते हैं। थैंक यू।